हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट टू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसका पार्ट वन अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आज चतुर्थांश नियम पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसी के बेसिस पे हम वैल्यूज़ को निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइन 120 की वैल्यू निकालने को दे दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, इसी रूल के बेसिस पे हम इसको निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा चतुर्थांश रूल यानी क्वाड्रेंट रूल होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा जब आप क्लास टेंथ में रहे होंगे, जब टेंथ स्टैंडर्ड में आप रहे होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि क्वाड्रेंट रूल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चार चतुर्थांश यहाँ पे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया, आप देख सकते हैं जो हमारा पहला चतुर्थांश फ्रेंड्स होता है वो हमारा 0 डिग्री से कितने तक होता है, 90 डिग्री तक होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये हमारा कौन सा है फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी पहला चतुर्थांश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम समझने वाले हैं और कैसे इसकी बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट से कोसेक, यही तो हमारे होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इस चतुर्थांश में इनका क्या काम है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला चतुर्थांश हमें दिया हुआ फर्स्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 0 से 90 डिग्री तक। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो होते हैं साइन, कॉस, टेन। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, हमारा कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो फ्रेंड्स, ये जितने अनुपात हमारे होते हैं यानी जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये पहले चतुर्थांश में हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं, ये हमारे प्लस होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बना के आपको दिखाया भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला चतुर्थांश है यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसमें हमारे सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो प्लस होते हैं यानी धनात्मक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि 0 से 90 डिग्री तक हमारे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो पहले चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं और वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं यानी धनात्मक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, आगे क्या फिर आगे हमें दिया हुआ है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। फ्रेंड्स, इसमें हमारा कौन सा चतुर्थांश आता है, फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे 90 से 180 के बीच में वैल्यूज को पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स इसी बेसिस पे हम इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, 90 से 180 के बीच हमारा कौन सा चतुर्थांश आता है, फ्रेंड्स ये हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट यानी दूसरा चतुर्थांश आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरे चतुर्थांश में चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे इनका मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरे चतुर्थांश में आते हैं 90 से 180 के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, तो दूसरे चतुर्थांश में केवल हमारा साइन और कोसेक ये प्लस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा प्लस होता है, केवल साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, जब साइन प्लस है तो साइन का अपोजिट हमारा कोसेक होता है, तो फ्रेंड्स कोसेक भी तो प्लस होगा। तो फ्रेंड्स, केवल साइन और कोसेक ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है यानी प्लस होता है, और जो सभी वैल्यूज हमारी बचेंगी कॉस, टेन, सेक, कॉट, ये सब क्या होंगी फ्रेंड्स, ये सब हमारी निगेटिव होंगी। क्या होगी फ्रेंड्स, निगेटिव होंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक तरफ से आप मान सकते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में केवल हमारा साइन और कोसेक यही हमारा प्लस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचेंगे इसके अलावा वो सब हमारे क्या होंगे, वो सब हमारे माइनस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, केवल साइन और कोसेक ही हमारा प्लस होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो फ्रेंड्स, तीसरा चतुर्थांश कितने से कितने तक होता है, तो फ्रेंड्स तीसरा चतुर्थांश हमारा होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच। कितने फ्रेंड्स, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच ये हमारा कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है यानी तीसरा चतुर्थांश होता है। तो फ्रेंड्स, तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे धनात्मक होते हैं और कौन से ऋणात्मक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा चतुर्थांश देखिए फ्रेंड्स, तीसरे में हमारा केवल टेन और कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा हमारा अपोजिट इसका कॉट होता है, तो केवल टेन और कॉट हमारे तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्लस होते हैं, और इनके अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचेंगे वो सब हमारे क्या होंगे, वो सब हमारे निगेटिव होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है साइन
हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब हमारे निगेटिव होंगे। केवल टेन और कॉट ये हमारा धनात्मक होगा। ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, यानी 180 से 270 के बीच में हमारा केवल टेन और कॉट ये हमारा प्लस होता है और सारे हमारे निगेटिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं सबसे लास्ट चतुर्थांश में, यानी चौथे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा हमारा कितने से कितने तक होता है, ये हमारा होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हमारा कौन सा होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी चतुर्थांश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें देखते हैं कौन से त्रिकोणमितीय हमारे प्लस होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, कौन से माइनस होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं चौथे में, तो फ्रेंड्स चौथे चतुर्थांश में 270 से 360 डिग्री के बीच में हमारा केवल कॉस और सेक प्लस होता है। कौन सा फ्रेंड्स, कॉस। तो फ्रेंड्स कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स कॉस और सेक ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये दोनों हमारे प्लस होंगे, और जितनी भी वैल्यू हमारी बचेंगी टेन कॉट साइन कोसेक ये सब क्या होंगे, हमारी माइनस होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वाड्रेंट रूल है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेंट रूल अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे हम इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स इसी क्वाड्रेंट रूल से हमारे बहुत से सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे फॉर्मूला हमारे इस क्वाड्रेंट रूल से बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चल के देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे दिया हुआ रेशियो इंटरचेंज क्या दिया, तो फ्रेंड्स जो हमारे अनुपात बदलते हैं रेशियो इंटरचेंज कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं साइन, तो फ्रेंड्स साइन हमारा किस में बदल जाएगा, साइन हमारा बदलेगा कॉस में। किस में फ्रेंड्स, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस हमारा साइन में चेंज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स जब अभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स साइन को किस में बदलेंगे, कॉस में, और कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में। जैसा कि फ्रेंड्स आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, रुक जाइए मैं किनारे लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा ये आपने पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साइन हमारा किस में बदल रहा है, साइन हमारा कॉस में बदल रहा है। तो फ्रेंड्स यही है, इसी वैल्यू को आपको ध्यान में रखना कि साइन हमारा किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस किस में बदलता है। तो फ्रेंड्स ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कॉस 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा होता है। तो कॉस हमारा किस में बदल गया, साइन में बदल गया। तो फ्रेंड्स यही आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स साइन किस में बदलेगा, साइन हमारा कॉस में बदलेगा, कॉस हमारा साइन में बदलेगा। टेन हमारा कॉट में बदलेगा, कॉट हमारा टेन में बदलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। जैसे आप देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। टेन 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। तो फ्रेंड्स टेन किस में बदल गया, हमारा कॉट में ही तो बदला, कॉट में बदल गया। अब अगर यही मैं आपसे कह दूं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो फ्रेंड्स कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टेन थीटा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कॉट किस में बदल गया, टेन थीटा में ही तो बदल गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है रेशियो इंटरचेंज, ये आपको पता होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स ये आपको पता है तो क्वेश्चन आप बहुत इजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। अब मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कोसेक थीटा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेक हमारा कोसेक में चेंज हो गया है। और यही मैं आपसे कहूं कि कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा होता है। क्या, सेक थीटा होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कोसेक हमारा सेक में चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे कि हमारा रेशियो इंटरचेंज क्या होता है, इसको तो आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, रेशियो इंटरचेंज ये आपको याद कर लेना है। और फ्रेंड्स क्वाड्रेंट की बात है, अगर आपको ये नहीं याद होता तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि पहले चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू हमारी प्लस होती है, दूसरे में क्या प्लस होती है, तीसरे में और चौथे में क्या प्लस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पहले में हमारा क्या होता है, पहले में ऑल प्लस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ऑल हमारा क्या होता है, सभी हमारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में हमारा क्या होता है, केवल साइन और कोसेक प्लस होता है। फ्रेंड्स जब साइन प्लस होगा तो कोसेक तो प्लस होगा ही होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो फ्रेंड्स इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साइन दूसरे में साइन होता, तो फ्रेंड्स आल पहले में सब प्लस है। दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं आल स्टूडेंट, क्या लिखते हैं, स्टूडेंट
ऑल स्टूडेंट लिख दें तो फ्रेंड्स पहला हमारा क्या है ऑल है, तो पहले में सब प्लस रहेंगे, जितने त्रिकोण में अनुपात यानी 6 के 6 सारे प्लस होंगे, और दूसरे में क्या है हमारा केवल साइन और कोसेक प्लस है, तो स्टूडेंट स्टूडेंट ये याद कर लीजिए ऑल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में एस सबसे पहले आ रहा है, तो एस से हमारा क्या होता है, एस से हमारा साइन होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि दूसरे में हमारा साइन प्लस होता है, जब साइन प्लस होगा तो साइन का अपोजिट कोसेक भी हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या हमारा प्लस होता है, थर्ड में हमारा टैन और कॉट प्लस होता है, टैन और कॉट प्लस होता है, तो सबसे पहले हमने ऑल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट लिखा है, क्या लिखा स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, तीसरे में हमारा टैन प्लस है, तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं, टैन को हम लिख दें टू लिख दें, तो टू में सबसे पहले हमारा क्या रहा है टी आ रहा है, तो टी से हमारा टैन हो जाएगा, जब टैन प्लस तो टैन का अपोजिट कॉट भी प्लस होगा, तो ऑल ऑल स्टूडेंट टू, और सबसे लास्ट में हमारा क्या प्लस है कॉस प्लस है, कॉस का अपोजिट सेक भी प्लस हो जाएगा, तो कॉस में सी आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉलेज, क्या लिख सकते हैं सी डबल ओ सी ओ डबल एल ई जी, क्या लिखते हैं कॉलेज लिख दे, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे फ्रेंड्स ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, तो ऑल में सब प्लस हो जाएगा, स्टूडेंट्स में एस पकड़िए, एस से हमारा साइन होता है और साइन का अपोजिट हमारा कोसेक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और तीसरे में टू तो टी से हमारा टेन हो गया, टेन का अपोजिट कॉट, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और रही बात आखिरी में कॉस हमारा, तो कॉस कॉस और सेक प्लस होता है, तो फ्रेंड्स कॉलेज हमने ले लिया, क्या लिया सी ओ डबल एल ई जी कॉलेज ले लिया हमने, और कॉलेज में हमारा सी तो सी से हमारा कॉस हो गया, जब कॉस प्लस तो सेक भी हमारा प्लस होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जब आपको प्लस वाला याद रहेगा तो माइनस तो आपको पता ही होगा, जब इतने हमारे प्लस हो गए तो बचे जो हमारे वो हमारे ऋणात्मक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा तो आप कभी चतुर्थांश वाला रूल नहीं भूलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इंटरचेंज मैंने आपको बता दिया, अब एक बात और, अब देखना कि रेशियो हमारा कब बदलता है, व्हेन रेशियो इंटरचेंज, इस वाली बात पे हमें ध्यान देना कि रेशियो हमारा कब बदलेगा, तो फ्रेंड जब थीटा का मान कितना 90 डिग्री 270 डिग्री होगा तो चेंज हो जाएगा, क्या होगा चेंज होगा, फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो रहा है हमारा कॉस थीटा में, चेंज हो जा रहा है ना फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 आया है, तो फ्रेंड्स जहाँ जहाँ 90 आएगा और जहाँ जहाँ 270 आएगा वहाँ हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी चेंज हो जाएंगी, बस ये आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ 90 आएगा और जहाँ जहाँ 270 आएगा वहाँ हमारी क्या होगी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, जैसे आपसे कहा जाए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, जैसा कि साइन 90 प्लस थीटा 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा क्या किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में हमारा साइन जो होता है प्लस होता है, तो साइन तो हमारा प्लस ही, साइन 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 90 वाली वैल्यूज हमारी चेंज होती हैं, तो कॉस हो गया और कॉस थीटा प्लस रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स दूसरे में साइन हमारा प्लस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि रेशियो इंटरचेंज कब होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब आप समझ लीजिए कि जब आपका मान 90 डिग्री हो 270 डिग्री हो तो हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी चेंज हो जाएंगी, यानी बदल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बदल जाएंगी, और रही बात जब आपकी वैल्यू 0 डिग्री हो 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, तो फ्रेंड्स वैल्यूज़ हमारी चेंज नहीं होंगी, जो कि जो वही लिख दी जाएंगी, बस आपको साइन देखना है कि किसमें प्लस है और किसमें हमारा माइनस है, बस ये आपको ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है कि क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूला, इसी के बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, फ्रेंड्स साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये आप सबने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा जब आप क्लास 10th स्टैंडर्ड में रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जहां जहां 90 वैल्यू आ रही है वहां वहां हमारे मान बदल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया था कि 90 और 270 में हमारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं टेन का अपोजिट कॉट होता है, टेन कॉट में कॉट टेन में ये चेंज हो रहा है, मैंने ऊपर आपको बताया था ये, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टेन थीटा होता है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना इजी है, बस आपको अपोजिट याद है तो आप इजीली कर पाएंगे, फ्रेंड्स जहां भी आपको 90 दिखेगा बस ये रखिए कि वैल्यूज आपकी जो होंगी चेंज हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा चेंज हो जाएगा,
ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा माइनस वाला था, अब हम देखते हैं प्लस वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो फ्रेंड्स ये हमारे 90 प्लस थीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा, 90 है तो वैल्यू तो चेंज होगी। और फ्रेंड्स 90 प्लस थीटा किस में आएगा, फ्रेंड्स 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 90 से ज़्यादा। पहला तो हमारा 0 से 90 तक होता है पहला चतुर्थांश, फिर दूसरा हमारा 90 से शुरू होता है ना, 90 से हमारा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें 90 से ज़्यादा हमारा नहीं हो जा रहा, 90 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स कॉस 90 प्लस, जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया हमारा। अब चलते हैं हम कॉस 90 प्लस थीटा पे, कॉस 90 प्लस थीटा। तो फ्रेंड्स कॉस 90 प्लस थीटा वैल्यू तो चेंज होगी हमारी, वैल्यू तो हमारी चेंज हो जाएगी, तो साइन थीटा हो जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स माइनस का। अब माइनस कैसे आया मैं आपको बताता हूँ क्यों माइनस आया। तो फ्रेंड्स कॉस 90 प्लस थीटा लिखा, यानी 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा किस में आएगा हमारा, ये आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में केवल आपका क्या प्लस होता है, केवल प्लस होता है आपका साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक यही तो प्लस होता है। और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, तो कॉस 90 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन माइनस का साइन थीटा, क्योंकि फ्रेंड्स दूसरे में जो हमारा कॉस होता है ये हमारा निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी दूसरे चतुर्थांश में कॉस हमारा निगेटिव होता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ निगेटिव का साइन आ गया, यानी माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे क्यों माइनस साइन थीटा हुआ। अब चलते हैं टेन 90 प्लस थीटा, तो फ्रेंड्स टेन 90 प्लस थीटा, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट थीटा हो गया, और साइन हमारा माइनस का इसलिए लगा है क्योंकि फ्रेंड्स 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 90 से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल हमारा क्या प्लस होता है, साइन प्लस होता है और कोसेक प्लस होता है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमारी प्लस नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस का साइन लगेगा, तो टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और इसी तरीके कॉट 90 प्लस थीटा हमारा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, तो फिर 90 प्लस थीटा ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स 90 से ज़्यादा। पहला चतुर्थांश का मान हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, जब दूसरा चतुर्थांश 90 से आगे चलते हुए 180 तक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स 90 से 180 तक जाता है, तो फ्रेंड्स 90 से ज़्यादा है हमारा क्योंकि सेक 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, अगर माइनस लिखा हुआ था तो कोई बात नहीं थी, प्लस लिखा हुआ है तो 90 से ज़्यादा। तो दूसरे में हमारा क्या होता, दूसरे में केवल हमारा साइन और कोसेक यही दोनों प्लस होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेक लिखा हुआ तो सेक तो हमारा निगेटिव होगा, तो फ्रेंड्स ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, लेकिन माइनस का साइन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं सबसे लास्ट में कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, तो फ्रेंड्स कोसेक 90 प्लस थीटा, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट हमारा कोसेक होता है, तो कोसेक तो हमारा प्लस होगा ही होगा क्योंकि फ्रेंड्स दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन प्लस होता है तो कोसेक भी प्लस होगा, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा जो हमने आपको, मैंने आपको जो चतुर्थांश रूल बताया इसी फंडे के ऊपर है, इसी से हम, अगर आपको ये याद है अच्छे से तो आप इसको बहुत ईजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे, फॉर्मूले भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया हुआ है कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या दिए हुए हैं, कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा, तो फ्रेंड्स 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम, 180 से कम हमारा किस में आता है, 180 से कम हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने में, सेकंड में, 90 से 180 तक हमारी वैल्यू कहाँ होती है फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन प्लस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक प्लस होता है तो कॉस तो प्लस होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा ही रहेगा। और फ्रेंड्स एक बात आप नोट कर लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 लिखा है, तो फ्रेंड्स साइन हमारा साइन ही है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो यही मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जब भी आपकी वैल्यू 180 होगी, 360 होगी या 0 डिग्री होगी तो नो चेंज होगा, क्या होगा, वैल्यू हमारी नहीं बदलेगी। तो फ्रेंड्स कहाँ बदल रहा है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं चेंज कहाँ हो रहा है, अब देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो हो रहा है, यहाँ मैंने कॉस तो नहीं लिखा, वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, बस ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस तक मैंने हो गया, अब हम चलते हैं टेन पे, टेन 180 माइनस थीटा ये भी हमारा 180 से कम, 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारा निगेटिव होता है, तो निगेटिव का साइन और टेन थीटा ही रहेगा, वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कॉट में,
फ्रेंड्स कॉट, कॉट एक्स और सी माइनस थीटा, ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड में हमारा कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगी नहीं क्योंकि एक्स और सी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलते हैं सेक पे, तो सेक 180 माइनस थीटा, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सेक नेगेटिव होता है तो माइनस सेक थीटा होगा, 180 लिखा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब चलते हैं कोसेक पे, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जब यहाँ पे साइन प्लस है तो कोसेक भी प्लस होगा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक 180 माइनस थीटा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक ये दोनों क्या होते हैं, ये हमारे प्लस होते हैं तो वैल्यू तो हमारी चेंज नहीं होगी, कोसेक थीटा ही रहेगी, बस यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे निगेटिव नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कैसे हम इस फॉर्मूले को याद करने वाले हैं और इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया हुआ है 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात, क्या दिए हुए 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात, तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, फ्रेंड्स 180 से ज़्यादा, क्या फ्रेंड्स 180 से ज़्यादा, तो फ्रेंड्स मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, 180 से ज़्यादा, तो फ्रेंड्स 180 से 270 तक, 180 से 270 तक हमारा किस क्वाड्रेंट में आता है, ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में आता है। अब चलिए वहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, 180 प्लस थीटा वाला हम देख रहे थे फ्रेंड्स, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा ये हमारा किस में आएगा, तो फ्रेंड्स 180 से ज़्यादा और 270 से कम होगा, तो फ्रेंड्स 180 से 270 ये हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल हमारा क्या प्लस होता है, टैन और कॉट यही प्लस होते हैं और सब हमारे निगेटिव होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, निगेटिव होते हैं। तो फ्रेंड्स साइन 180 प्लस थीटा, तो फ्रेंड्स वैल्यू तो चेंज होगी नहीं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 180 दिया हुआ है, वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, साइन थीटा ही रहेगा लेकिन माइनस साइन थीटा होगा क्योंकि फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब चलते हैं कॉस 180 प्लस थीटा, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है तो निगेटिव हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगी नहीं क्योंकि 180 यहाँ पे दिया हुआ है, ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, जहाँ 180 है वहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। अब आते हैं टेन वाले पे, टेन 180 प्लस थीटा ये जाएगा तीसरे चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में हमारा टेन और कॉट ये दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं यानी धनात्मक होते हैं, तो टेन 180 प्लस थीटा, टेन थीटा लेकिन प्लस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स ये हमारा प्लस होगा क्योंकि तीसरे में टेन हमारा प्लस होता है। अब आइए कॉट पे, तो फ्रेंड्स जब टेन प्लस है तो कॉट भी प्लस होगा, टेन का उल्टा कॉट ही होता है फ्रेंड्स, कॉट 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट हमारा क्या होता है, ये हमारा प्लस होता है तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉट थीटा लिखा हुआ है और 180 है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, कॉट कॉट ही रहेगा। अब आते हैं सेक पे, सेक 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा सेक क्या होता है, निगेटिव होता है तो निगेटिव सेक थीटा हो जाएगा यानी माइनस सेक थीटा। अब आते हैं कॉस, कोसेक 180 प्लस थीटा किस में आए हैं, कोसेक 180 प्लस थीटा में आएंगे, तो कोसेक 180 प्लस थीटा 180 से ज़्यादा 270 से कम तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, कोसेक निगेटिव होता है, 180 लिखा है, कोसेक कोसेक ही रहेगा और माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको चतुर्थांश वाला रूल आता है तो आप ये सब लगा लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं 360 वाली वैल्यू पे, 360 वाली वैल्यू पे, तो कोण लिखा हुआ, कोण 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स, कोण 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 360 माइनस थीटा यानी 360 से कम होगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स 270 से ज़्यादा 360 से कम होगा, तो फ्रेंड्स साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 360 में भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रुक जाइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो 360 होती है उस पे वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि 180 और 360 पर नो चेंज होता है, आप देख सकते हैं। अब चलिए आते हैं उस पे, रूल्स पे आते हैं हमारे, तो हम 360 माइनस थीटा का देख रहे, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा ये किस में जाएगा फ्रेंड्स, 360 यानी 360 से कम होगा और 270 से ज़्यादा होगा, तो 270 और 360 के बीच में हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, ये हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं फ्रेंड्स आपको फिगर में दिखा देता हूँ, फिगर चलिए देख लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 270 से 360 के बीच हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं यहाँ पे 360 माइनस थीटा पे थे हम, साइन 360 माइनस थीटा, तो फ्रेंड्स ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल हमारा कॉस और सेक यही हमारा प्लस होता है और सारे निगेटिव होते हैं,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि 360 लिखा हुआ है। अब आते हैं कॉस पे, कॉस 360 माइनस थीटा, ये भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये दोनों प्लस होते हैं, तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब चलते हैं टेन 360 माइनस थीटा, तो टेन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन 360 माइनस थीटा मेरा हमारा हो जाएगा माइनस टेन थीटा ही होगा, ये भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा। और फ्रेंड्स फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही प्लस होता है। और फ्रेंड्स रही बात कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा निगेटिव होगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब चलते हैं सेक पे, तो सेक कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, जब कॉस प्लस तो सेक भी प्लस, तो फ्रेंड्स 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक प्लस होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा, एक 360 लिखा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेक हमारा सेक ही रहेगा। अब आते हैं कोसेक पे, तो कोसेक 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा माइनस होता है, तो ये हमारा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे 360 वाली वैल्यूज थी, अब चलते हैं 360 प्लस थीटा वाली देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कोण 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स 360 से ज़्यादा होंगे फ्रेंड्स, ये क्या होंगे फ्रेंड्स 360 से ज़्यादा होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा तो हमारा साइन थीटा होगा, क्यों होगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम 360 प्लस थीटा में जाएंगे फिर लौट के हम यहीं पे आ जाएंगे पहले वाले में, 360 से ज़्यादा जाएंगे फिर यहीं पे आएंगे, और पहले में हमारा साइन प्लस होता है, आप सबको पता है साइन और कोसेक की हमारा प्लस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसीलिए हमने इसको प्लस लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के, तो साइन 360 प्लस थीटा तो हमारा साइन थीटा ही होगा, प्लस का होगा क्योंकि फ्रेंड्स 360 के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा होता है कॉस थीटा होता है, ये भी हमारा प्लस में ही रहेगा, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और टेन 360 प्लस थीटा तो टेन थीटा होगा क्योंकि फ्रेंड्स पहले चतुर्थांश में हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सब प्लस होते हैं, यानी ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारी प्लस होती हैं। तो फ्रेंड्स पहले में हम चले आ रहे हैं, जैसा कि आप फिगर देख लीजिए, बस आप फिगर ध्यान दीजिए, बस जब 360 तक हमारा था, अब 360 से ऊपर जाएगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा, तो फिर फ्रेंड्स हम यहीं पे लौट के आएंगे ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पहले चतुर्थांश में सब वैल्यू क्या होती है, प्लस होती हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी 360 प्लस थीटा होंगे सब हमारे प्लस होंगे, बस आप ये याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए, जितने भी हमारे 360 प्लस थीटा होंगे सारे प्लस होंगे, और फ्रेंड्स वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि 360 है। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, वो भी प्लस का, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, और कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, और सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वाड्रेंट रूल, क्या था फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट रूल। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेंट रूल मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है याद करने का, ट्रिक मैंने आपको बताई है, ऑल स्टूडेंट टू और उसके बाद कॉलेज, क्या लिखा हुआ है कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ऑल में हमारा पहले में हमारा पहले चतुर्थांश में फर्स्ट में सब प्लस होता है, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब प्लस होता है, दूसरे में हमारा क्या होता है केवल साइन, साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, तो एस से हमारा साइन हो जाएगा, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो दूसरे में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तीसरे में टी टू लिखा तो टी से टेन और टेन और का अपोजिट कॉट ये प्लस हो जाएगा, कॉलेज सी से कॉस और कॉस का अपोजिट सेक ये प्लस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था मैं आपको वैल्यूज़ को निकालना सिखाऊंगा, तो चलिए वैल्यूज़ को निकालना सीख लेते हैं आज। फ्रेंड्स जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 120 का मान ज्ञात करो, क्या फ्रेंड्स साइन 120 का मान ज्ञात करो, तो कैसे आप इसको निकालेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स पहला चतुर्थांश हमारा कितना होता है, हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको कैसे लगा सकते हैं, हम किस कैसे इसको तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, यानी 90 से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स साइन 90 तो हमारा रहेगा ही, तो फ्रेंड्स 90 में हम कितना जोड़ दें कि 120 हो जाए, कितना जोड़ दें, तो फ्रेंड्स 30 जोड़ देते हैं, 30 ही तो जोड़ेंगे, 90 10 100 और 20, तो 90 में 30 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, आप देख मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला यूज़ क्यों हो रहा है, कहाँ पे कैसे यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा होता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखा हुआ, साइन 90 प्लस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और वो भी कैसा, प्लस का कॉस थीटा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है और प्लस का, फ्रेंड्स कि हमारा फिर हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू हमारी अंडर रूट 3/2 होती है। तो फ्रेंड्स कितनी ईजी वे पे हमने साइन 120 का मान निकाल लिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने प्लस क्यों लिया हुआ है, फ्रेंड्स साइन 90 प्लस थीटा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा, तो फ्रेंड्स साइन 90 प्लस थीटा 90 से ज़्यादा हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक ये क्या होता है, ये हमारा प्लस होता है, प्लस होता है। तो फ्रेंड्स जब हम इसको चेंज करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा चेंज तो हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा प्लस में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरे में साइन हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो फ्रेंड्स कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी 30 थी, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे 30 लिखी, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू हमारी अंडर रूट 3/2 होती है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे ही हम वैल्यूज़ को निकालना सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब आपसे पूछ लिया जाए कॉस 120 का मान, कॉस 120 का मान कैसे निकालेंगे, फ्रेंड्स बहुत ईजी है, वही 90 वाला फंडा लगेगा, फ्रेंड्स 120 तक पूछा है ना, छोटी वैल्यू हमारी, तो फ्रेंड्स ये हमारा लगेगा कॉस 90 और प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब चलिए इस फॉर्मूले को मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉस 90 प्लस थीटा मैंने कहाँ लिखा था, कॉस 90 प्लस थीटा, ये देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, फ्रेंड्स इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, ये आपके यूज होंगे। तो कॉस 90 प्लस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉस 90, तो फ्रेंड्स कॉस 120 दिया हुआ है, 120 हमें दिया हुआ था, 120 हमें दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको सबसे पहले हम तोड़ते हैं, कॉस 90 और प्लस कितना जोड़ दें कि 120 हो जाए, 30 जोड़ दें, 90 प्लस 30 में टूट जाएगा, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कॉस 90 प्लस 30। अब फ्रेंड्स कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा ये फॉर्मूला लगा है, और कॉस 90 प्लस थीटा यानी जाएगा किस क्वाड्रेंट में, ये हमारा जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी 90 से ज़्यादा ही, तो फ्रेंड्स 90 से हमारा ज़्यादा है कॉस, क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो फ्रेंड्स कॉस लिखा हुआ है, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा कॉस होता है निगेटिव, केवल साइन और कोसेक प्लस होता है, तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, 90 रहता तो हमारा चेंज होता है, ये चेंज हो जाएगा साइन में, तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, माइनस साइन कितना हो गया, 30 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन माइनस का साइन लगेगा, और माइनस 1/2 ये हमारा हो जाएगा कॉस 120 का मान। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और फ्रेंड्स आज के बाद आप वैल्यू निकालना सीख जाएंगे बहुत इजी वे पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम, हमें दिया हुआ है टेन 225 का मान ज्ञात करो, क्या दिया है फ्रेंड्स, टेन 225 का मान निकालना है, तो फ्रेंड 225 है, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हम 90 से इसको नहीं निकालेंगे, 90 से हम इसको नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 180 वाले से, क्योंकि फ्रेंड्स वैल्यू हमारी यहाँ पे बड़ी है, 225 हो गई है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो 180 प्लस थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन 180 प्लस थीटा, तो फ्रेंड्स टेन 180 प्लस थीटा, 180 से प्लस ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 80 प्लस थीटा ये हमारा जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट दोनों प्लस होता है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या लगाया फॉर्मूला, टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन 180 प्लस थीटा हमारा टेन थीटा ही होता है, टेन थीटा और प्लस का वो भी, ठीक है फ्रेंड्स, और 180 है तो वैल्यू टेन टेन ही रहेगी, ये आप याद रखिए। तो चलिए अब जोड़ना शुरू करते हैं, टेन 225 को तोड़ते हैं, 225 को तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, टेन लिखेंगे 180 प्लस थीटा, तो 180 तो हमारा हो गया, और प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रख दें कि हमारा 225 हो जाए, तो फ्रेंड्स 80 90 100 20 हो गया, 45 जोड़ देते हैं, 45 तो हमें रखना है, 45 जोड़ देंगे हमारा 225 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टेन 180 प्लस 45, तो फ्रेंड्स टेन 180 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, प्लस टेन थीटा होता है, यानी टेन थीटा ही होगा, तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 45, टेन 180 प्लस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 45, तो टेन 45 मैंने लिख दिया, और टेन 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम वैल्यूज़ को निकालने वाले हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ हमसे पूछा है कि साइन 1920 का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन 1920 का मान। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कैसे इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स चतुर्थांश में हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है पूरा, ठीक है 360 डिग्री होता है, फिर उसके बाद रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है 1920 दी हुई है, कुछ नहीं करना है। फ्रेंड्स साइन दिखा हुआ है, साइन को साइन लिखेंगे। अब 360 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि हम इस वैल्यू के करीब तक पहुंच जाएं, तो फ्रेंड्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5 इंटू 360, 360 को हम किससे गुणा कर देंगे, 5 से। किससे गुणा किया मैंने, 360 को मैंने 5 से गुणा किया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 500 हो जाएगा, 6 5 30 और 5 3 15 होता है, और जोड़ देंगे 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब 1800 में हम कितना जोड़ें कि 1920 बन जाए, कितना जोड़ें, तो फ्रेंड्स 120 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 120 जोड़ देंगे इसमें हम, 120 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 0 2 9 और 1 1920 हो जाएगा, 1920 हो गया। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 5 into 360 + 120 लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 360 प्लस थीटा लग रहा है, तो साइन 360 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिर हमारे पहले क्वाड्रेंट के अंतर्गत आ जाएगा और पहले में सब हमारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स चौथे के बाद हमारा फिर घूम के पहले में ही तो आते हैं, फिर रिपीट हो जाता है हमारा, तो पहले में हमारा क्या होता है साइन प्लस होता है, साइन प्लस होता है, तो साइन 120 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी ये क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, अब साइन 120 को हम तोड़ेंगे। साइन 120 को कैसे तोड़ेंगे, तो साइन 90 और प्लस 30 में तोड़ सकते हैं इसको, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 में जोड़ते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन हमारा प्लस होता है, साइन चेंज हो जाएगा हमारा किस में, कॉस में, कॉस 30 हो जाएगा, लेकिन प्लस कॉस 30 हो जाएगा, और प्लस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, अंडर रूट 3/2 होती है, क्या होती है, अंडर रूट 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसी के बेसिस पे हम सारी वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल बता दिया हुआ है, उनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को मैंने बता दिया हुआ है, फॉर्मूले आप याद कर लीजिए और क्वाड्रेंट रूल आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। फ्रेंड्स बिना क्वाड्रेंट रूल के आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और फ्रेंड्स अभी भी हमारा चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है अभी कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कई प्रकार के मिक्स चैप्टर दे दिए गए हैं, कहीं पे हमारा फलन का मान है, कहीं हमारा फिर वैल्यूज़ को निकालना होगा, सब अलग अलग दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स मैं सबको अलग अलग ही सॉल्व करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बेसिक पहली वीडियो में बताया था, आज मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखा दिया है, वैल्यू निकालना आपने सीख लिया, और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले को मैंने बता दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।